नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़वानी जिले की ग्लोबल बिजनेस मैच समिट स्पीच में किया जिक्र। बड़वानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकांक्षी जिला बड़वानी की प्रगति का जिक्र, अन्य प्रदेश के क्षेत्रों सहित बड़वानी जिले में आकांक्षी योजना पर प्रगति का जिक्र करते हुए बताया कि बड़वानी जिले में पोषित बच्चों की संख्या 40 से बढ़कर 90% तक पहुंच गई। शासकीय मशीनरी और टेक्नोलॉजी के उपयोग से संभव हो रहा है। बता दें, इसका पूरा श्रेय पूर्व कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा को जाता है, जिन्होंने दूरस्थ दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय वामनिया की रिपोर्ट। उसके कारण माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है। मध्य प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, वो पूरी तरह इम्यूनाइज बच्चों की संख्या 40% से बढ़कर के 90% हो गई है। बच्चों की जिंदगी की चिंता हुई है। महाराष्ट्र के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाशिम में टीबी ट्रीटमेंट, साथियों कभी नेहरू जी ने कहा था कि जिस दिन हर भारतीय के पास टॉयलेट की सुविधा होगी, उस दिन हम जान जाएंगे कि देश विकास की एक नई ऊंचाई पर है। मैं ये पंडित नेहरू जी की बात कर रहा हूं, कितने साल पहले की होगी आप अंदाज कर सकते हैं। मतलब नेहरू जी को भी समस्या का पता था, लेकिन समाधान की तत्परता नजर नहीं आई, और इस वजह से देश का बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक मूल सुविधाओं से वंचित रहा। 2014 में जब हमें सेवा करने का अवसर मिला तो देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 40% से भी कम था। जब हम आए उस समय 40% से भी कम था। हमने इतने कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। आज देश के ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज 100% तक पहुंच गया है। मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। रीइमेजिन वाला विषय जब आपने रखा है तो मैं उसी दायरे में अपने आप को रखना चाहता हूं। हालत यह थी कि वर्ष 2014 में देश में 100 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिन्हें बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था। इन जिलों की पहचान थी गरीबी, पिछड़ापन, ना सड़क, ना पानी, ना स्कूल, ना बिजली, ना अस्पताल, ना शिक्षा, ना रोजगार। और इनमें हमारे देश के ज्यादातर आदिवासी भाई बहन इन इलाकों में रहते थे। हमने बैकवर्ड के इस कंसेप्ट को रीइमेजिन किया और इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया। पहले इन डिस्ट्रिक्ट में आज वहां बेस्ट एंड यंग ऑफिसर्स को डेप्यूट किया जाता है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट के टर्न अराउंड के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसके कारण हमें बेहतर रिजल्ट्स भी मिलने लगे और इसका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अब
40% से बढ़कर के 91% हो गई है और उसके कारण माता मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर में बहुत बड़ी कमी आई है। मध्य प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बड़वानी वो पूरी तरह इम्यूनाइज बच्चों की संख्या 40% से बढ़कर के 90% हो गई है। बच्चों की जिंदगी की चिंता हुई। महाराष्ट्र के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाशिम में टीबी ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट 40% हुआ करता था, वो बढ़कर के करीब करीब 90% हो गया है। कर्नाटका के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यादगीर में अब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या 20% से 80% पहुंच गई है। कितने ही ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें किसी समय जिसको बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट करके अछूत बना दिया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कवरेज पूरे देश की एवरेज से भी बेहतर हो गई। यह है रीइमेजिनेशन। मैं आपको क्लीन वाटर सप्लाई का भी उदाहरण दूंगा। आजादी के 7 दशक के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 30 मिलियन यानी 3 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स के पास टैप कनेक्शन था। 160 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड यानी 16 करोड़ परिवार इससे वंचित थे। हमने बड़ी बड़ी बातों के बजाय 80 मिलियन यानी 8 करोड़ नए टैप कनेक्शन सिर्फ 3.5 वर्षों में दे दिए। ये है रीइमेजिनेशन का कमाल। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।